कानपुर में क्रिकेट खेलते वक्त एक और शख्स की मौत हो गई। इससे पहले 17 साल के छात्र की भी क्रिकेट खेलते हुए मौत हो गई थी। यानी अब तक क्रिकेट खेलते वक्त दो लोगों की मौत हो चुकी है, एक बॉलिंग करते वक्त तो दूसरा बैटिंग करते वक्त। लेकिन दोनों के पीछे वजह सिर्फ एक, वो है हार्ट अटैक। कानपुर के किदवई नगर के भानु की 5 साल पहले शादी हुई थी, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। पिता संतोष शुक्ला रिटायर हो चुके हैं। शनिवार सुबह क्रिकेट खेलते वक्त वो बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी तरह बीते 6 दिसंबर को भी कानपुर के ही रहने वाले 10वीं के छात्र अनुज की मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। उस समय वो पहला रन लेने के बाद पिच पर दूसरा रन ले रहा था, तभी एकदम से गिर गया। परिवार वाले और दोस्त उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि अनुज की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। गौरतलब है कि कानपुर में हार्ट अटैक के कई मामले सामने आए हैं। 1 जनवरी से 9 जनवरी 2023 के बीच कानपुर के एक ही सरकारी अस्पताल में 131 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। ऐसे में ठंड का मौसम भी लोगों के लिए आजाब बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारी ठंड के बीच खून के थक्के जमने से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। इस ठंड के मौसम में हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रहा है, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें किशोरों को भी दिल का दौरा पड़ रहा है। डॉक्टर सभी को इस ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही हिदायत दे रहे हैं अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें।